के द्वारा लाभुकों को अनाज देने की जगह उनके साथ दबंगई दिखाते हुए मारपीट किया गया है, जिससे कई लोग जख्मी हो गए। डीलर की दबंगई के शिकार दर्जनों लोगों द्वारा बीडीओ के समक्ष पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई गई, जिस पर बीडीओ ने डीलर के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की बात की है। बताया जाता है कि नवादा जिले के नरहट प्रखंड अंतर्गत पत्तल बिघा गांव में डीलर ओंकार सिंह के यहां लाभुक आज अनाज लेने पहुंचे थे, लेकिन डीलर द्वारा अनाज के बदले लाभुकों के साथ गाली गलौज और मारपीट की गई। लाभुक नवलेश, चंदन, संजय, पिंटू आदि कई लोगों ने बताया कि डीलर के द्वारा राशन नहीं दिया जा रहा, जिसके बाद आज सभी लोग राशन लेने पहुंचे तो डीलर अनाज देने के बाद मारपीट व गाली गलौज करने लगे। इस घटना में कई लोगों को चोटें भी आई है। ग्रामीणों ने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा कि डीलर ओंकार सिंह पिछले 3 महीने से राशन का वितरण नहीं कर रहे हैं, वहीं मांगने पर गाली गलौज और मारपीट करते हैं। इस मामले को लेकर हम लोगों ने बीडीओ के पास शिकायत भी दर्ज करवाई है। वहीं इस बाबत प्रखंड विकास पदाधिकारी राजनीति पासवान ने कहा कि पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। डीलर द्वारा लाभुकों के साथ गलत व्यवहार किया गया है, डीलर के खिलाफ थाना में कार्रवाई करने को भी हमने थाना प्रभारी को कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से पूरी राशन हर डीलरों को उपलब्ध कराया जा रहा है, समय पर लोगों के बीच राशन का वितरण करना है, लेकिन इनके द्वारा समय पर राशन का वितरण नहीं किया गया। इस मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। नवादा से सुनील कुमार की रिपोर्ट। गाली गलौज करता है, कितने दिन से गल्ला नहीं दे रहा, पैर का चलाया है, गल्ला कितने दिन से चैलेंज करता है, मंत्री से मंत्री तक कमीशन देते हैं, कहाँ जाना है वहाँ जाइए, हम देख लेंगे। कितना दिन से गल्ला नहीं दे रहा है? 3 महीना से। 3 महीना से गाँव से आदमी दो चार पाँच लूखा लोग को बुला के मारपीट करें, हमारा लगा दूसरा डीलर कहिए क्या करे, हमारे भाग बहन बेटी रोटी 70 किलोमीटर आता है, इज्जत नहीं मिल गया। पहले बात तो एक बार कूपन लिए सबको, उसके बाद वहाँ निकाल के सबको मिल दिया।